हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। माई सेल्फ भरत पवार, और आज हम वापस आपके बीच में हाजिर हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो हमारे पास में वो है लेबोरेटरी के बारे में है। ये माइक्रो और बायोटेक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लेबोरेटरी के अंदर जो ग्लासवेयर हैं उनको क्लीनिंग करना, डिकन्टामिनेट करना, उनको स्टरलाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे उनको हमें करना है और कौन कौन से मेथड वो होने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलिए तो आपको स्क्रीन पे देखो ये पीपीटी दिख रही होगी। आज का जो हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग टोटली प्रैक्टिकल आपको जो है स्क्रीन दिख रही होगी, क्लियर। अब स्क्रीन की हेल्प से ध्यान रखना, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ करवाने वाला हूँ आज। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ओके, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हमारे पास में लेबोरेटरी ग्लासवेयर क्लीनिंग एंड स्टरिलाइजेशन। ओके, कि जो लेबोरेटरी हमारे पास में जो ग्लासवेयर हैं उनको हमें कैसे क्लीन करना है और कैसे हमें स्टरलाइज करना है, आज हम इस प्रैक्टिकल के अंदर या इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ चीज़ों को लेके, कि हम जो आज हम वीडियो देखने वाले हैं इसमें हमारा पर्पस क्या है। तो सबसे पहले मैंने वर्ड बोला ध्यान रखना कि कोई भी लेबोरेटरी में क्लीन क्यों करना है, या कोई भी लेबोरेटरी में ग्लासवेयर है एकदम प्रॉपर क्लीनिंग क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे सिंपल हमने वर्ड यहाँ पे बोला कि अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एकदम परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई भी लेबोरेटरी में रिजल्ट एकदम परफेक्ट चाहिए तो आपको उनके जो ग्लासवेयर हैं जिसमें आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हो उनका क्लीन और डिकंटामिनेट और स्टरलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक आने क्लियर। अब नंबर टू चीज़, अब आप क्लीन तो कर दिया आपने, बट क्लीन करने के बाद में आपको कैसे पता कि ये कम्प्लीटली साफ हुआ या नहीं। तो इसका एक मैं छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख लीजिए। यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले आपको जो लाइन दिखी, ध्यान रखना है आपको स्क्रीन पे देख लीजिए ये वाली लाइन, कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो ग्लासवेयर है वो कम्प्लीटली क्लीन हुआ या नहीं हुआ। ओके, आप क्या करिए, आप अपना एक ग्लासवेयर लीजिए, नल चालू करिए, मतलब आपने अपनी जो कंप्लीट वॉशिंग आपने कर ली है, वॉशिंग करने के बाद में उसको आप नल के नीचे रखिए, ओके, और उस पर ड्रॉप गिर रही हैं, अब नल बंद कर लीजिए, ओके। अब उस सरफेस पे, उस ग्लास की सरफेस पे जो ड्रॉप गिरती है ना, उसकी सरफेस पे जो एक्शन है वो हमें उस ड्रॉप का देखना है, ओके। अगर ध्यान रखना है ड्रॉप उस पर गिरती है और ड्रॉप टूट जाती है, यानी कि आपके कांच के ऊपर वाटर ड्रॉप गिरती हैं और वो ड्रॉप टूट जाती हैं, टूटने के बाद में जो सरफेस है वो अनइवनली भीगती है, अनइवनली जो है ध्यान रखना वो वेट होती है, ध्यान रखना। इसका मतलब अगर वो अनइवनली उस पर अगर वो होती है, दैट्स मीन ये है कि आपका जो ग्लासवेयर है वो अभी तक कम्प्लीटली क्लीन नहीं हुआ। क्या बोला मैं, ड्रॉप उस पर गिराइए, अगर वो पूरी इवनली उस पर फैलती दैट्स मीन आपका ग्लासवेयर क्लीन है। अगर उस पर वो अनइवनली ध्यान रखना बिखरती है, ड्रॉपलेट टूटती है, इसका मतलब ध्यान रखना भी वो ग्लासवेयर आपका क्लीन नहीं है, उसे भी क्लीन करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। ओके, चलिए चलते साहब नेक्स्ट पॉइंट में, हम चलते आगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, अब बारी हमारे पास में अगला है कि प्रोसेस। क्या बोला, प्रोसेस कैन बी मेड इजी। अब हमें चीज कैसे करनी है, कैसे हम इसे कर सकते, ध्यान रखना है वो हमें यहाँ पे अब सीखनी है और समझनी है। थोड़ा मैं इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ओके, चलिए अब मेरे पास तो क्या बोला कि अब आप इसे कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आप जब लैब में जाते हो, आप जब कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हो, तो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में उसे खाली कर दीजिए, आपका जो ग्लासवेयर में जो भी केमिकल था या जो भी मटेरियल था उसे आप खाली कर दीजिए। उसको आप पहले नॉर्मल पानी से उसको धो दीजिए, ठीक है, धो दीजिए। उसके बाद में क्योंकि आपका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें उसमें एज कंटामिनेंट के अंदर हो सकती है, तो उसको ध्यान रखना एसिड ट्रीटमेंट और बेसिक ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने बोला उसको आप जो है बेसिक्स के अंदर या डिटर्जेंट में उसको आप डिप करके या भिगो के रखिए। ओके, एक सिंपल मैंने आपको एक जनरल मेथड आपको यह मैंने बताया। ओके, उसके अलावा मैंने यहाँ नीचे देखो आपको फ्लो चार्ट पूरा बता रखा, ध्यान रखना। फ्लो चार्ट में क्या थे मेरे पास में, ग्लासवेयर थे,
उसे आप इमिडिएटली खाली कर दीजिए, उसका हल्का सा पानी से धो दीजिए, उसके बाद में उसको जो भी डिटर्जेंट उसमें उसको डुबो के रख लीजिए कुछ समय के लिए। उसके बाद उसको वॉश करना है। अब वॉश करो कैसे, या तो आपके पास कोई मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशर मशीन है, उसे आप धो दीजिए, आप अपने हाथ से उसको धो सकते हो। आपने उसको धो दिया, फिर टैप वाटर से वॉश कीजिए, देन उसके बाद में जो आपका डिस्टिल वाटर या फिर डीआयनाइज वाटर है उसे आप वॉश करिए। फिर क्या करना, आपको जो आपके पास जो ग्लासवेयर है उसको आप क्या कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, उसको आप सुखा दीजिए। तो ये आपके पास में मेथड होती है, ध्यान रखना, एक नॉर्मल प्रोसीजर मैंने आपको बताया कैसे चीज़ों को वॉश हम करते हैं। अब हम उसको और डिटेल में समझेंगे, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मेरे पास में जो अगला कॉन्सेप्ट है मेरे पास में, ऑप्शन टू क्लीन द ग्लासवेयर। क्या बोला मैंने, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है? तो हमने बोला कि जो जितनी बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं उनके बहुत ज़्यादा जो ग्लास है उनको हमें धोना होता है, ओके, उन्हें ग्लास को वॉश करना होता है, तो उनके पास में मशीन होती है, उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक ग्लास वॉशर मशीन। क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक ग्लास वॉशर हम बोलते हैं। अब एक्चुअली में उसमें क्या होता है, ये मशीन में सिस्टम क्या होता है, आपको यहाँ पे देखो एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैंने बताया पूरी मशीन का आपको इमेज है, यहाँ अलग अलग आपको दिख रहा है, आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग यहाँ पे ग्लासवेयर आपको यहाँ पे रखे गए। तो एक्चुअली में ध्यान रखना इस मशीन में क्या होगा, ध्यान रखना कि इसमें जो है अलग अलग जो धोने की साइकिल चलती है, क्या बोलती है, इसमें रिंसिंग की इसमें जो है साइकिल चलती है, और अलग अलग साइकिल के द्वारा उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम होता है, ओके। तो इस मशीन ध्यान रखना है, और इस मशीन में ड्रायर भी लगा होता है जिसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री प्लस का टेम्परेचर भी इसमें होता है, और इसमें जो वाटर यूज़ होता है धोने के लिए वो जो ध्यान रखना वाटर उसमें क्या होता है, वो वाटर जो है मिसिबल वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब उसमें केमिकल का मिक्सर है आपका जो पानी भी है और उसमें और भी जो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट वो भी इसके अंदर रखे हुए होते हैं। तो वो जो वाटर है वो एक अलग प्रकार का जो मिक्सर प्रकार का ये लोग मशीन यूज़ करते हैं, और वो वाटर जो उनके ऑटोमेटिकली पाइप के द्वारा इन जो ग्लासवेयर है उनके अंदर जाता है, और उसको ऑटोमेटिक वॉशिंग करके ऑटोमेटिक उसको पानी से धोया जाता है, और ऑटोमेटिक तरीके से जाने के उसको वापस ड्राई भी किया जाता है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक मशीन होती है टोटली, इसमें हम लोग ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। बट ये कब काम का है, जब आपकी लेबोरेटरी बहुत बड़ी हो, बहुत ही डेली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपका यहाँ पे ग्लासवेयर का जो है वो वॉशिंग निकलती हो, और कोई भी लेबोरेटरी के लिए या कोई भी इंडस्ट्री के लिए ध्यान रखना इनका जो वॉशिंग मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इंडस्ट्री ध्यान रखना है और उसका वॉशिंग मेथड अगर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ की जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट है वो 100% जेन्युइन या कभी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक इंप्योरिटीज रहती है। चलिए चलते साहब, हम नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना आगे। अगला मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्लीन ग्लासवेयर। कौन कौन से मोस्ट कॉमन मेथड उन्हें ग्लासवेयर क्लीन करने के, वो मैंने दिखा दिए। वर्ड बोला मैंने यहाँ के डिकंटामिनेंट, और फिर मैंने बहुत सारे जो कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल है वो मैंने आपको यहाँ पे बाजू में दिखा रखे, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हम लेने वाले हैं। चलिए साहब, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हमने कि अगर डीकंटामिनेट करना है तो डीकंटामिनेट का क्या करना है भैया, आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप जो भी लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, तो अब आपके उस जगह पे उस प्लेस पे या वहाँ पे आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो उन चीज़ों के अंदर कोई भी माइक्रोब्स हैं उसका जो लेवल इतना डाउन होना चाहिए कि आपका जो प्रैक्टिकल है उससे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना तुम काम कर लो, उससे हम क्या वर्ड बोलते हैं डीकंटामिनेट कर सकते हैं। और डीकंटामिनेट करने के लिए बहुत तरीके आपके पास में हो सकते हैं, चाहे आप उसको स्टरलाइज कर सकते हो, ऑटोक्लेव कर सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है, या कोई भी डिटर्जेंट या केमिकल को लेकर उसको वॉश करके भी आप काम कर सकते हो प्राइमरी लेवल पर, ठीक है ना। चलिए तो अब मेरे पास में यहाँ जो चीज़ें वो है, मेरे पास में बहुत सारे जो कॉमन, क्या वर्ड बोला मैंने, कॉमन जो डिसइंफेक्टेंट मेरे पास में है, तो मैंने यहाँ वर्ड बोला क्लोरीन रिलीजिंग केमिकल। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वे सारे केमिकल जो क्लोरीन रिलीजिंग करते, क्योंकि ध्यान रखना जो क्लोरीन ध्यान रखना जो है वो बहुत ही एक्टिव, क्या है, ये बहुत ही एक्टिव है, ओके। और ध्यान रखना आपकी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, कोई वायरस ध्यान रखना है, इनको इजीली ध्यान रखना है वो रिमूव कर सकता है। ध्यान रखना कौन क्लोरीन रिलीजिंग जो केमिकल ध्यान रखना है, अगर आप ग्लास वेयर को वॉशिंग में अगर उन्हें यूज़ करोगे तो कोई भी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव वायरस अगर उसके सरफेस पर अटैच रहेगा तो उनको इजीली वहाँ से वो रिमूव करने में काम आएगा। तो कौन कौन से एग्जाम्पल मेरे पास मैम, तो मैंने बोला यहाँ पे ब्लीचिंग सॉल्यूशन बोलूँ या मैं हाइपोक्लोराइट बोलूँ, यहाँ पे ध्यान रखना ये हमारे जो घर में जो डोमेस्टिक कामकाज होते हैं ना, तो वहाँ पे ध्यान रखना ब्लीच पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को हमारे कपड़े धोने के लिए, हमारे बर्तन धोने के लिए, या कुछ भी जो घर की जो वॉशिंग ध्यान रखना उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ब्लीचिंग सॉल्यूशन यूज होता है, ओके। उसके अलावा ध्यान रखना फॉर्मेल्डिहाइड बोल दिया मैंने, ओके, या मैंने ग्लूटेरियल डिहाइड बोला,
उसके अलावा मेरे पास में अल्कोहल में एज एथेनॉल और प्रोपेनॉल आप यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड उसके अलावा आपने रखना है इसमें हाइकोलीन है, क्लिस्ट्रॉल है, स्टीरॉल ध्यान रखना है, हम यहाँ पे इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें रखना हम एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी में इनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ओके। चलिए साहब बढ़ते साहब नेक्स्ट पॉइंट में, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, क्लीन कर देते हैं इसको, ओके। चलिए अब मेरे पास ध्यान रखना मोस्ट कॉमन मैथड टू क्लीन ग्लासवेयर, ओके। अब कौन कौन से कॉमन मेथड मेरे पास में, तो अगर मेरे पास न्यू ग्लासवेयर है तो मैं कैसे वॉश करूंगा और या मैं उसको हैंड से कैसे वॉश पे करूंगा, ओके। तो अगर आपके पास में न्यू ग्लासवेयर अगर आपने लिए, ध्यान रखना अभी अभी नया आपने ग्लासवेयर ओपन किए हैं तो ध्यान रखना उनको बहुत ही केयरिंग से आपको संभालना पड़ेगा, ओके। तो उनको ध्यान रखना कुछ करो, जो आपका जो डिटर्जेंट आपके पास में, तो गर्म आपका जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन उसमें आप गर्म करके उसमें आप आपके जो ऑर्गेनिज्म के जो आपके ग्लासवेयर उसमें आप रख दीजिए, कुछ नहीं करना, पानी लेना है, डालना डिटर्जेंट, उस पानी को गर्म कर देना है, उसमें डालना डिटर्जेंट, डाल दिया आपने, उसके बाद में आपका जो मटेरियल है उस पर छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, तो उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म उसकी क्या लाइसिस हो जाएगा और उसको वहाँ पर वो स्पेस छोड़ देगा, आपका जो है बर्तन वो क्लीन हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप टैप वाटर है वगैरह आप कर सकते हो, ऑटोक्लेव वगैरह कर सकते हो, या हॉट एयर की हेल्प आप ले सकते हो। आप अगर हाथ से धोते हो तो क्या चीज़ का आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि तुम हाथ धो रहे हो उसमें एसिड भरा हुआ है, आप ऐसा नहीं कि उसमें हाथ हाथ से धो रहे हो उसमें पूरा हाईली अल्कलाइन कंटेन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। अगर आप उस चीज़ को हाथ से धो रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि उसमें जो डिटर्जेंट ध्यान रखना है वो क्या होना चाहिए, नॉन आयोनिक। अगर ध्यान रखना आयनिक के लिए तो आपको फिजिकली ध्यान रखना बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो मेटल फ्री होना चाहिए ध्यान रखना, और उसमें कोई भी हाईली अल्कलाइन और एसिडिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो हाईली एसिडिक और अल्कलाइन है तो आप कभी भी उसमें हाथ यूज़ नहीं करेंगे, आप कभी हैंड मेथड के द्वारा उसको बर्तन का वॉश नहीं करोगे, यहाँ तक आने क्लियर। चलिए तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है, ओके। चलिए अब चलते हैं हम सीधा यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं अगला। अब यहाँ हमें जो समझना है, आज हम जो करने वाले मेथड यूज़ धोने के लिए वो हमारे पास में क्रोमिक एसिड, क्या बोला मैंने, क्रोमिक एसिड, यानी आज हम जो बर्तन धोने वाले हैं वो क्रोमिक एसिड के द्वारा हमें धोने हैं। तो क्रोमिक एसिड के द्वारा हम कैसे जो है हमारे लैब के माइक्रो के जो बर्तन वॉश करेंगे वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए तो इसमें हमारे पास में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में बोला कि जो एक क्रोमिक एसिड है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे लाइन समझना, ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ क्या बोला यहाँ पे देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोला, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो चीज़ें हैं, यहाँ दो चीज़ हम लोग काम आने वाले हैं। अगर हमें क्रोमिक एसिड बनाना है तो हमें क्या लेना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है, इनको पर्टिकुलर इनकी यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर अमाउंट में इनको मिक्स करके हम लोग ध्यान रखना जो है क्रोमिक एसिड का हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ओके। तो ध्यान रखना जो दोनों केमिकल है बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बोला मैंने, ये दोनों जो है बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनका मिक्सर ही ध्यान रखना है, कोई भी अगर मैं एग्जांपल बोलूँ कोई भी ध्यान रखना ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर आपका आपके जो ग्लासवेयर में अगर चिपका हुआ है, मैं रिपीट करूँ वापस, आपका जो ग्लासवेयर है उसमें कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर अवेलेबल है, कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फॉर्म अवेलेबल है, तो ये दोनों ध्यान रखना, इनकी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण ध्यान रखना ये इजिली उसको ऑक्सीडाइज करके उस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को वहाँ से साफ कर सकते हैं, सर्फेस को एकदम क्लीन कर सकते हैं, उसको डीकंटामिनेट बहुत ही शॉर्ट टाइम ध्यान रखना वो कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, क्रोमिक एसिड, यहाँ तक आने क्लियर, ओके। ध्यान रखना ये बहुत ही कोरोसिव ध्यान रखना है, बहुत ही हाईली कोरोसिव रिएजेंट ध्यान रखना है, इसको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो बहुत ध्यान रखना, बहुत ही ग्रेट केयर, बहुत ही ध्यान रख के आपको इसको बनाना पड़ेगा, और आपको आपके जो टीचर है, आपके जो सर है, फैकल्टी हैं, प्रोफेसर है, उनकी हेल्प से ध्यान रखना, आपको उनकी प्रेजेंस पे बनाना है, अकेले नहीं बनाए, बहुत ही आपको नुकसान कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस केमिकल है, ओके। उसकी अलग ध्यान रखना, आपको जब आप प्रिपेयर करते हो तो प्रिपेयर करके उसको छोड़ देना नहीं है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करने के बाद उसको अगर आपने तुरंत यूज़ नहीं किया ना वॉशिंग के लिए ध्यान रखना, तो ध्यान रखना ये ग्रीन हो जाएगा और बाद में कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट में फॉर्म हो, इससे पहले पहले ध्यान रखना इसको हम यूटिलाइज कर लेना है, तो आपको कोशिश ध्यान करनी करने की क्रोमिक एसिड ग्रीन ना बने उसके पहले पहले यूटिलाइज हो जाए, यहाँ तक आने क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए चलते ध्यान रखना हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट ध्यान रखना है कि अगर हमें ये हमें यूज़ करना है, तो सिंपल कहानी आपको यार क्या रिक्वायरमेंट की, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको जो बर्तन धोने हैं या जो ग्लासवेयर धोने हैं उनको आप ले लीजिए, आपके पास एक वॉशिंग टब होना चाहिए, वॉशिंग नहीं आपको दो वॉशिंग टब आपके पास में होने चाहिए, आपके पास में क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन मतलब क्रोमिक एसिड होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास HCl है तो भी चलेगा, डिटर्जेंट है आपके पास में वो डिटर्जेंट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद मैं डिस्टिल्ड वाटर बोलूँ या मैं डीआयनाइज्ड वाटर बोलूँ तो आपके पास में वो होना चाहिए, तो ये हमारे पास में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे मेरा ऊपर वॉशिंग टब है, नीचे मेरे पास मेरी जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये मेरे पास पे क्रोमिक एसिड है और बाजू मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर की बॉटल है। क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए अब चलते मेरे पास में आगे। अब आता है प्रोसीजर कि आप लोग कैसे जाने अपना फॉर्म करोगे, कैसे आप लोग जो है क्रोमिक एसिड की मदद से आप अपने लैब के जो सारे बर्तन आप वॉश करोगे। तो ध्यान रखना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरी रात जो है 5% HCl के अंदर सारे जो क्लासेस को डिप करके रख दो, आपको 24 घंटे के लिए आप 5% HCl का सॉल्यूशन बना के आप लोग सारे आपके जो बर्तन है उसमें डिप करके रख दो। या फिर ध्यान रखना क्या करो आप लोग, क्रोमिक एसिड जो आप बनाया सॉल्यूशन ना, वो क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशंस बना के उसमें एक रात छोड़ दो। मैं एग्जांपल बोलूँ, कल अगर आपको सारे ग्लासवेयर यूज़ करने हैं तो आज नाइट में, यानी आप जब लैब छोड़ते हो शाम को इवनिंग 4-5 बजे, तो आप लैब छोड़ने से पहले क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए, टब ले लेके उसमें सारे ग्लासवेयर डाल दीजिए और क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन उसमें डाल के उसको रख दीजिए कितने ओवरनाइट के लिए। जब आप अगले दिन नेक्स्ट डे आप आते हो ध्यान रखना, तो 24 घंटे बाद ध्यान क्या करना, आपको सारे जो ग्लासवेयर ध्यान रखना है उनको आपको ट्रांसफर करना है न्यू टब के अंदर। क्या बोल रहा मैं, एसिड ट्रीटमेंट के बाद में उसको सारे ग्लासवेयर को दूसरे टब में ट्रांसफर करने का होता है। और जो दूसरा टब देना है वो क्या, हमारे पास में डिटर्जेंट सॉल्यूशन मतलब बेसिक जो हमारे पास में कंपोनेंट है उसमें आपको ध्यान रखना है ट्रांसफर करना है। क्या बोला मैंने, पहले वाला जो पूरी कहानी वो किसके लिए, एसिडिक ट्रीटमेंट में। सेकंड जो कहानी पूरी मेरे किसके ध्यान, डिटर्जेंट मतलब बेसिक ट्रीटमेंट में। अगर आपके पास में बेसिक्स में डिटर्जेंट नहीं है तो क्या करो आप लोग, साबुन का जो पानी उसे आप गर्म कर लीजिए, उसके अंदर ही जाना, उसको 1 से 2 घंटा रख लें। 24 घंटे आपने क्रोमिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद क्या करना, आपको 1 से 2 घंटे देना है, आपको डिटर्जेंट का भी ट्रीटमेंट दे देना है। ओके, यहाँ तक आपने वो भी काम कर लिया, उसके बाद क्या करोगे। चलिए, डिटर्जेंट में देने के बाद में आपके पास में जो स्क्रबर है, जो आपके पास में ब्रश है, अगर आपके पास में अच्छी क्वालिटी का ब्रश ध्यान रखना अवेलेबल है, तो उस ब्रश की हेल्प से ध्यान उसकी सरफेस को अप्रोप्रिएट घिस दीजिए, उसकी पूरी सरफेस को अंदर तक बाहर तक कंप्लीटली घिस दीजिए। अब आपके पास में कौन से प्रकार का ग्लासर है डिपेंड करेगा उसके पास में कौन से प्रकार का आपके पास में ब्रश है। अच्छी क्वालिटी का आपके पास में अप्रोप्रिएट अगर ब्रश अवेलेबल होगा तो आप उसकी हर एक सरफेस को आप अच्छे से क्लीन कर पाओगे। ओके, उसके बाद क्या करना आपको, सिंपल कहानी, आपने उसको घिस भी दिया है, बाद में क्या करना आपको, बस उसको पानी से धोना है। ओके, आपको रनिंग टैप वाटर को वॉश करना है, उसके बाद में उसको डीआयनाइज्ड वाटर से आपको वॉश करना है, और कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम आपको कंप्लीटली वॉशिंग करने के बाद में उसको 3 टाइम जो है डीआयनाइज वॉल्यूम में, या मैं बोलूँ कि जो मेरे पास जो वाटर है उसको आप उससे आपको मतलब डिस्टिल वाटर है या डीआयनाइज वाटर, उसको 3 टाइम कम से कम उसको वॉश करना होगा। एंड वॉश करने के बाद उसमें क्या क्या सिंपल कहानी, उसको क्या करो, ड्राई करने के लिए छोड़ दो। के उसे जाने रखना, आपको क्या करना, उसको ड्राई करने देना है, उसको सूखने देना है ओवरनाइट के लिए, या आप कभी आपके पास में कुछ भी ओवर उसके उसके हेल्प से उसको सुखा सकते हो। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए अगला मेरे पास ध्यान रखना, बहुत चीज़ें फास्ट हैं, अब देखो मैं चीज़ें थोड़े भगाने वाला हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए आपको मैं ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊँगा। या मेरे पास में करना है स्टरिलाइजेशन, क्या करना है मेरे को, स्टरिलाइजेशन मतलब मुझे मेरे जो मेरे पास में ग्लासवेयर है उसको टोटली बैक्टीरियल फ्री करना है, वायरल फ्री करना है, स्पोरल फ्री करना है, एनी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स बिल्कुल उसको फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए रखना हूँ यहाँ पे उसको स्टरिलाइजेशन मेथड, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्लियर, दो मेथड मेरे पास में, ओवन है या मेरे पास में ऑटोक्लेविंग है, दोनों आपको यहाँ दिखा दिया मैंने। आप जो है हीट और ओवन, हॉट एयर ओवन की हेल्प ले सकते हो एंड ऑटोक्लेव यहाँ पे ले सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं इसको स्पीड में भगा रहा हूँ। ओके, हॉट एयर में ओवन कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको दिख रहा है आपको स्क्रीन में यहाँ पे मशीन होती है। ओके, ये देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन में दिख रही है, ये एक प्रकार का आपको कंटेनर देखने को मिलेगा जिसमें अलग अलग स्लैब लगे होते हैं, जिसमें आपको आपका जो जिसको भी आपको स्टराइल करना है वो चीज को आप वहां रख सकते हो। सबसे पहले ही बोला इसका जो टेम्परेचर वो 160 to 180 का रहेगा, उसमें कम से कम आपका जो ग्लासर वो 1 से 2 घंटे आप उसमें रखने होंगे। कुछ नहीं, आपके ग्लासर को खाली करना बहुत जरूरी, आप अपने ग्लासर को खाली कर दीजिए और उसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ नहीं होना चाहिए, एक खास बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आप पैट्री डिश पे अगर कुछ भी आप रखते हो ध्यान रखना, तो उसके ऊपर मतलब ध्यान रखना उनको सब पैट्री डिश को आप क्या करो, एक क्राफ्ट पेपर में उसको रैप कर लीजिए। रैप करने के बाद ध्यान रखना जो कंटेनर है मेटल कंटेनर में रख के फिर उसको ध्यान रखना, उसके अंदर आपको रख देना है। ओके, चलिए फिर मैंने क्या बोला, वही कहा ध्यान रखना उसमें अगर बस में कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह है, पाइपेट्स हैं, तो उसमें ध्यान रखना क्या, कॉटन प्लग आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको बिना कॉटन प्लग लगाए ध्यान रखना किसी भी चीज़ को अंदर नहीं रखोगे, ध्यान रखना उसमें कॉटन प्लग आपको लगाना है,
और उनको क्राफ्ट पेपर में उनको रैप करना है। रैप करने के बाद उसको पर्टिकुलर मेटेलिक कंटेनर के साथ में रखना, उसको सिलेंडर के साथ में उसको उस ओवन के अंदर रखना है। ओके, चाहे आपका फ्लास्क हो, ग्लासवेयर हो, बीकर हो, बॉटल हो, इन सब को स्टराइल करने के लिए इन सब के ऊपर जाने का कैप लगानी बहुत ज़रूरी है या सिल्वर फॉइल के द्वारा उसको पैक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये करने के बाद ध्यान उसको आप हीट ओवन में रख सकते हो। बाद में आता हमारे पास में ऑटोक्लेव ध्यान रखना है। ऑटोक्लेव आप लोग पढ़ ही चुके, ध्यान रखना तो ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल वो ध्यान रखना है, ये 121 डिग्री टेम्परेचर और 15 PSI यानी पाउंड प्रेशर ध्यान रखना, वो वहाँ पे आपको मिलेगा। उस प्रेशर में ध्यान जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे क्लीन वहाँ पे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और ध्यान रखना इसके अंदर हम लोग लिक्विड के साथ में रख सकते हैं। अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास वो जो बॉटल ध्यान रखना होती है, हमारे पास जो कोई सॉल्यूशन है तो हम लिक्विड फील्ड जो यहाँ मटेरियल है ग्लास उसमें ऑटोक्लेव करके उसको स्टराइल कर सकते हैं। अगर हमने जो भी सॉल्यूशन बनाया उसमें कोई कंटामिनेंट ना आया हुआ या आ गया होगा तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ऑटोक्लेव करना होता है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपके पास फ्लास्क है, बीकर है, टेस्ट जो भी है उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है तो आप उसके ऊपर क्या लगा लीजिए, कॉटन प्लग लगा लीजिए। कॉटन प्लग लगाने के बाद उसको आप जो क्राफ्ट पेपर है उसे आप पैक कर लीजिए या जो कवर फॉइल उसको आप उसको पैक कर लीजिए। पैक करने बाद में उसे पर्टिकुलर कंटेनर की हेल्प से उसमें ऑटोक्लेव की मशीन उसको रख देना है और देन उसके बाद उसको ऑटोक्लेव कर सकते हो। यहाँ तक कहानी क्लियर? चलिए, तो ये था ध्यान रखना हमारा पूरा आज का प्रैक्टिकल गाइस। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको मजा आया हो तो आप आपका एक रिक्वेस्ट ध्यान रखना है कि आपका बस एक ही पर्पस है, जो मेरा उद्देश्य है कि मैं पूरी बायोटेक और पूरी माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ें आपको अपलोड करूंगा, उनके सारे लेक्चर भी डालूंगा, पूरी मैं लैब चीज़ें जो लैब की आपको मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आपका मुझे प्यार बहुत ज़रूरी है, आपका मुझे प्यार मिलता रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको सब चीज़ें मिलने वाली है। बस मैंने सपना देखा है तो सपना आपके सपने पूरे कर सकूँ, ये मेरा सपना है और लगातार मैं यहाँ पर मेहनत करूँगा। आपका मुझे प्यार मिलता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।